सपनों का संसार और सपने जू संसार, पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, दिन उगे छुप जाएगा जो तारा प्रभात, जग असत है या जगत मिथ्या है। पर आज हम बात करने वाले हैं मित्रों सपनों की। सपनों की जब बात करते हैं तब यह जीवन क्या है, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। जागृति यह हम जब हम जगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, अपना व्यवहार कर रहे हैं, और रात्रि जब हम सो रहे हैं तो उसमें सोने की अवस्था में एक तो है स्वप्न की अवस्था, दूसरी है डार्क स्लीप गहरी नींद सुषुप्ति, और तीसरी है गुरुदेव ने जो वर्णन की है तुरियावस्था। स्वप्न में रैपिड आई मूवमेंट होता है आईबॉल्स का, सुषुप्ति में गहरे गहराई में हम सोते हैं, योग निद्रा कहें या गहरी नींद कहें, जिसमें स्वप्न नहीं होते, लगभग नहीं होते, पूरी तरह से तो नहीं कह सकते। तो ये सपनों का क्या संसार है? एक बार मैं देख रहा था प्रश्नोत्तर में वीडियो में, गुरुदेव को एक माताजी पूछ रहे थे कि मुझे सपने बहुत आते हैं, आप आशीर्वाद दें कि मेरे सपने मुझे ना आए। हाँ, कभी कभी कुछ कुछ लोगों को सपने बहुत सताते हैं, बहुत स्वप्न आते हैं और बहुत कम समय तक उन्हें गहरी नींद आती है। तुरियावस्था की तो बात ही क्या कहें। तुरियावस्था यानी कि गुरुदेव कहते हैं जब व्यक्ति जागृत है लेकिन नींद में है और जान रहा है कि मुझे सपना आ रहा है, सपने में क्या चल रहा है, और देख ये सपना आया और ये सपना खत्म हुआ, इस प्रकार वह सपने में भी तटस्थ होकर दृष्टा होकर सपने को देखता है। यह बड़ी ऊंची अवस्था है जिसे तुरियावस्था कहते हैं। अब यह जो स्वप्न है, गुरुदेव ने तो कहा भी है हमें कि भाई स्वप्नों को वापस याद नहीं करना चाहिए। हर इसमें कहा गया है, वो हिंदू माइथोलॉजी हो और कोई हो, इसमें कहा गया कि स्वप्नों को तो आप याद मत कीजिए। कभी किसी किसी को बहुत बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, किसी को अच्छे स्वप्न आते हैं, वो अपनी अपनी अवस्था पर है। बीती घटनाओं पर आधारित रंगमंचन होते रहता है। अब साधक की बात करें तो साधक दिवा स्वप्न या कैसल सीन एयर कभी नहीं बनाता, उसका वहाँ रुक जाता है काम। खरपतवार जो होती है विचारों में वह उसके नहीं होती। वह जो विचार चल रहे हैं उसे भलीभांति जानता है, संवेदनाओं को जानता है या अपने रूटीन काम को जानता है दिन भर में, और विचारों को भी जहाँ तक उसके उसी विचार थोड़े कम हो जाते हैं, मुख्य मुख्य बातों के ही विचार होते हैं उसके। साधक ऐसा हो ही सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे ही शाखा, ऐसा तर्कों से अपनी शाखाएं नहीं बढ़ाता, जिससे कोई रिलेशन नहीं है उन चीज़ों में जाता नहीं है। कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो प्लानिंग कर देगा प्रोजेक्ट, निश्चित गोल सेट कर देगा, विजन सेट कर देगा, जो भी है, और बस काम खत्म। उसकी फॉलोअप करना गोल का, वो जो दूसरे एग्जीक्यूशन का काम है वो लोग करेंगे। तो इस प्रकार वह दिन में खरपतवार विचारों की नहीं होने देता, बड़े सुगठित मन हो जाता है साधक, कम से कम जागृत अवस्था में तो भी। अब निद्रा अवस्था में भी जो है कि साधक को ऊंची अवस्था है कि सपने ना आए, कम से कम आए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि साधक को ज़्यादा सपने आए,
ज़्यादा सपने आएंगे, क्योंकि दिन भर उसने अपने अवचेतन मन पे, सुषुप्त मन पे, सुप्त मन पे, निद्रिस्त मन पे कंट्रोल रखा है, क्योंकि जागरूक मन उसका पूरी तरह से योग्य अयोग्य यानी कि शील और सदाचार में उसे जागरूक मन को पूरा उसका साक्षात्कार हो गया है, और गुरुदेव के शब्द है उसके बाहर नहीं जाता जागरूक मन, वह शील सदाचार के पालन में लगा है, फिर भी पंचेंद्रिय से कुछ न कुछ दृश्य दिख जाते हैं, इसलिए ओखी चक्कू या कम से कम ऐसी चीज़ों के जब दिखे उसके प्रति थोड़ा सा हमारा नकारात्मक भाव, तो क्या कहूँ, उसके प्रति हमने थोड़ी झिझक या उसके प्रति हमने एक बेफिक्री रखना चाहिए, उसमें जाना नहीं चाहिए, जो विषय नहीं है, जो शील सदाचार की बात नहीं है, उस ओर हमने गलती से दृष्टि हो गई तो हो गई, बाकी सुन लिया गलती से निंदा कोई और बात, तो काम विचार या क्रोध विचार, पर उसमें उसे निग्लेक्ट करना चाहिए, वो निग्लेक्ट करना साधक को आ जाता है धीरे धीरे, गुरुदेव के आदेश भी है, निर्देश भी है, शब्द भी है, और विपश्यना की पुण्य पारणी भी उसके साथ है, तो इस प्रकार साधक उसमें चलता है। लेकिन रात्रि को जागृत मन सो जाता है, जागृत मन का दिन की अवस्था में सूर्य जब तक है ऐसा ही कहें तो तब तक तो उसका उस पर पूरा कंट्रोल है, और जब निद्रा में वो चले जाता है तो फिर यह अवचेतन मन को चांस मिलता है, वह बड़ा उठकर उग्र होकर भी सामने आता है, और कभी कभी वह भी ट्रेंड हो जाता है, तो फिर सपने बहुत कम आते हैं, नहीं के बराबर आते हैं, और कुछ कुछ विकार निकलने के लिए भी स्वप्न आ जाते हैं, तो न उनका किसी चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं, न किसी चीज़ का हम समर्थन कर रहे हैं, आ गए सपने तो हो सके तो उसे दृष्टा भाव से देखने की कोशिश करनी चाहिए, स्वप्न को हमने दृष्टा बनकर जहाँ तक तो हो सके, जब हम रात्रि में ध्यान करते करते सोएंगे ना, सांस को देखते देखते संवेदना देखते देखते, तो एक अवस्था आ जाएगी जब आप स्वप्न बहुत कम आएंगे, नहीं आएंगे, और आएंगे तो भी आप दृष्टा बनकर उसे देख सकेंगे, या फिर आ भी गए और दृष्टा नहीं भी बन सके आप, रुदन विलाप या काम विकार या क्रोध जो भी हो, तो भी आपको वे सपने फिर दिन उगते उगते आप गुरुदेव के निर्देशानुसार साधना करते करते उठेंगे, संवेदना सांस को देखते देखते, तो फिर क्या होगा, तो फिर उन सपनों को भी आप भुला देंगे, याद नहीं करेंगे, क्या हो जाता है, निद्रिस्त मन अवचेतन मन में जो जो भरा पड़ा है अब दिन भर में निकलता नहीं, और साधना में या शिविरों में वह उखड़ कर निकलता है, जब हम दृष्टा है जागृत अवस्था में है तब निकलता है, पर जब हम सो जाते हैं तब वह उसको चांस मिल जाता है और वह स्फुटित होकर बाहर निकलता है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, किसी भी बात से चिंतित नहीं होना है, किसी भी बात का पश्चाताप नहीं करना है, शील समाधि में जैसे जैसे हम पुष्ट होते जाएंगे वैसे वैसे इस प्रकार के स्वप्न वगैरह कम होते जाएंगे, जैसा जैसा हमारी समाधि भी पुष्ट होती जाएंगी ना, समाधि का स्वभाव आनापान में, जैसे जैसे हम, मेरा एक विचार है कि एक घंटे का आनापान का एक गुरुदेव के जो निर्देश हैं यहाँ वहाँ उनको एकत्र करके मैं मेरे आवाज़ में एक घंटे का आनापान बढ़ाऊँगा, ताकि क्या है, जो लोग छूट जाते हैं, जिनकी साधनाएँ छूट जाती है, जिन जो लोग ठीक प्रकार से विपश्यना नहीं कर पाते हैं, शिथिल साधना हो गई, विपश्यना ठीक प्रकार से नहीं हो सक रही, मन फिसल जाता है, मन भाग जाता है और किधर विचारों में खो गया पता नहीं लगता, उनके लिए मैंने सोचा एक घंटे का पूरा लॉन्ग सिटिंग का एक जो है सो सिर्फ आनापान के निर्देश उस पर एक बनाऊं, ताकि ऐसे लोगों को जिनकी विपश्यना भी छूट सकती है, बाद में विपश्यना न भी करें, तो उनके लिए यह एक बिल्कुल मोटिवेटर होगा और यह उनके लिए एक दिशा होगी कि वे फिर से स्थापित हो सके, इसलिए मैं करने का प्रयास करूँगा। तो यह बात मैं एक सपनों की कर रहा था, तो इस प्रकार स्वप्न आते हैं, उन्हें हमें बिल्कुल महत्व नहीं देना है, स्वप्न आएंगे, विचलित नहीं होना है, और कभी कभी जैसा कहा पूर्व के संस्कारों के वजह से, पूर्व के अनुभवों के वजह से, पूर्व के विकारों के वजह से, या विकारों के आदत के वजह से वह
दिन में नहीं आ सकते क्योंकि दिन में पूरा ऊपर कंट्रोल है, तो वे रात्रि में उत्पात में जाते हैं, उन्हें निग्लेक्ट करें, यही एक बात है।